पिछला क्लास में आप लोग ज्यादातर लोग था ना, तो हम मेन चीज क्या सीखा था उसमें? मनी सीखा था। मनी का वैल्यू कहाँ से आता है? अभी का जो आप मनी यूज करता है, गोल्ड पहले यूज करता है, अभी गवर्नमेंट है ना, असल में पेपर का कोई वैल्यू नहीं है ना उस पेपर का, गवर्नमेंट स्टैम्प साइन करता है आरबीआई, इसलिए उसका वैल्यू है। ठीक, तो बात ये क्या हो गया कि मनी जो है क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, माध्यम है ना एक्सचेंज करने का, जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसा पेमेंट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो जो वैल्यू है, कीमत है, मनी का कुछ नहीं है, है ना। कीमत कहां से आ रहा है? आरबीआई या गवर्नमेंट से, है ना, लीगल टेंडर। एग्जैक्टली, लेकिन आपको बेसिकली मनी का वैल्यू क्यों है, उससे आप चीजें खरीद सकता है ना, गुड्स एंड सर्विस। अभी कल को मैं तुमको, जैसे शिलू तुमको 1,00,000 रुपए देता है, लेकिन उसमें तुम खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ खर्च नहीं कर सकता है, तो उस 1,00,000 रुपए का वैल्यू क्या हुआ? कुछ नहीं ना, बस इसका जेब में रखे रहेगा या बैग में रखे रहेगा, फायदा नहीं है कुछ। जब तक पैसा का आप यूज कर सकता है, किसी को दे के उससे कुछ खरीद सकता है, तभी उसका वैल्यू है ना। नहीं तो पैसा पड़ा पड़ा रहेगा, कुछ नहीं, बैंक में डाल सकता है, बैंक में डाल के क्या मिलता है आपको उसके बदले में? इंटरेस्ट है ना। जैसे 100 रुपए अभी डाल रहे हैं तो 1 साल बाद शायद 110 रुपीज मिलेगा, लेकिन अगर वैसे ये बस 1,00,000 रुपए जेब में रखता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं, जब तक खर्च नहीं करता है ना। ठीक, तो यही अब धीरे धीरे प्रॉब्लम हो गया कि हम लोग पैसा को बस उसी के चीज का वैल्यू देख रहा है। जैसे ज्यादातर जो क्या है, जो आप लोग बड़ा बड़ा कंपनीज का बात देखता है न्यूज में, या फिर पॉलिटिशियंस का बात देखता है, करोड़ में जो लोग बात करते हैं, करोड़पति ये सब है ना, वो लोग पैसे का यूज भी नहीं कर रहे, एक तरह से वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद रहा है, लेकिन बस मनी जोड़ रहा है, समझ रहा है? 1 करोड़ पैसा बना लिया है, उसके बाद 10 करोड़ बना रहा है, उसके बाद 100 करोड़ बना रहा है, लेकिन क्या है, वो मनी बस बैंक में पड़ा है, उसका कुछ काम नहीं हो रहा है, एक तरह से आप समझ रहे हैं। मनी किस लिए है? बार बार ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने का है। तो अभी सिस्टम क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का भी नहीं रहा है, यानी अब मनी बस मनी के लिए ही कमाया जा रहा है, समझ रहे हैं? जैसे कल को अभी मैं क्यों पैसा कमाता है, ताकि मैं खाना खा सके, कुछ कुछ कर सके, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या है, जैसे मेरे को खाना खाने में, भरमपुर घूमने में, हर चीज घूमने में महीने में 20,000 रुपीज खर्च हो रहा था, ठीक। लेकिन अब अगर मैं धीरे धीरे कुछ बिजनेस वगैरह करके महीने में 1 करोड़ कमाने लग गया, खर्चा कितना करेगा? खर्चा अगर नहीं कर रहा है तो इस 1 करोड़ का वैल्यू क्या रहा है? कुछ नहीं, वैल्यू है, लेकिन हाँ, समझ आया जो आप बेसिक। हाँ, तो इसी पॉइंट पे आज बात करेगा इसके, ठीक है। क्योंकि मनी अब क्या हो गया, पावर। मनी अगर आपके पास है, आप किसी का काम खरीद सकता है, टाइम खरीद सकता है ना, जैसे आपको कुछ काम करना है, कोई भी काम करता है कुछ कुछ, तो जैसे क्या है, कोई ड्राइवर है, उसको मैं पैसा देके उसका सर्विस ले सकता है ना, कोई टीचर है, उसका पैसा, उसको पैसा देके ट्यूशन ले सकता है, कुछ भी अलग, कोई किसी से गाड़ी खरीद सकता है, किसी से खाना खरीद सकता है, फार्मर से खाना खरीद सकता है, ये सब कर सकता है, लेकिन तो क्या है, पावर आ रहा है ना, आप समझ रहे हैं कि मैं अगर आपको पैसा, मेरे पास अगर पैसा है, मैं आपको पैसा देके आपका टाइम खरीद सकता है, समझ रहे? मैं आपको बोलता है कि ये लो 100 रुपए, 1 घंटे तक तुम मेरा, मेरे लिए कुछ लिखो, डिक्टेशन लो, या फिर 1,000 रुपए लो, 1 घंटा कामना जाकर वापस आओ, समझ रहे? तो इसीलिए क्या हो गया, एक ये मनी पावर बन गया है, गुड्स एंड सर्विसेज का बात अब धीरे धीरे हट रहा है, मनी अपने आप में ही पावर बन रहा है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उस मनी का वो यूज नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास पावर आ जाता है ना। और वो वही बात आ गया जो कल आपको बोला, वैल्यू कहाँ से आता है, जब सब मानता है उस चीज को, है ना। इसी के चलते अब क्या काम भी हो रहा है, जैसे
गवर्नमेंट बहुत जो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, रोड बन रहा है यहाँ पे, कितना टाइम से रोड बन रहा है बाहर, बहुत टाइम से ना, तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट पैसा नहीं डाल रही है क्या रोड? वही काम भी, यानी काम करने के लिए नहीं होता है, काम पैसा बनाने के लिए हो रहा है, आप समझ रहे हैं? मनी का पर्पस क्या था? कि उससे काम आसान होगा, है ना, मैं आपको पैसा देता हूँ आप काम कर दो, लेकिन अब काम के लिए नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, समझ रहा? मनी वॉज मेड टू डू वर्क, है ना, मनी बनाया गया था ताकि काम आसान से हो, एक दूसरे से लोग बात कर सके, एक्सचेंज कर सके, व्यापार कर सके, मनी वर्क, लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्क सेकेंडरी हो गया, मनी ज्यादा जरूरी हो गया है। आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मनी दिखना चाहिए। यही अगर आप रोड का अगर आरटीआई वगैरह देखेगा सरकार में, तो रिपोर्ट के अनुसार ये रोड शायद बन चुका होगा, या फिर रिपोर्ट में लिखा होगा कि हाँ 2015 में 10 करोड़ रुपए भेजा गया था और रोड इतना बन गया है। वैसी रिपोर्ट में अब लिखा होगा कि 2016 में अब और इतना पैसा गया है सरकार को यहाँ पे वीडियो को, अब रोड 70% बन गया है, 90% बन गया, लेकिन असल में बस आप लोगों को पता है जो रह रहा है आप, है ना, जो ऊपर बैठा है न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रिपोर्ट पढ़ रहा है, उसमें लोग मान गया कि हो गया है। तो बार बार पॉइंट ये आ गया कि अब वर्क या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, जिस चीज के लिए मनी बना था, अब उस चीज के लिए मनी का काम नहीं हो रहा है, मनी का काम बस अपने लिए ही हो रहा है, और पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए, है ना। कैसे कैसे कमा सकता है पैसा? बेसिक, जैसे आप लोग बिजनेस बोलते हैं, तो बिजनेस में क्या करता है? कल जैसे क्लास में बात हो रहा था आपका, बेसिक बिजनेस क्या होता है? सबसे बेसिक जो ट्रेड व्यापार क्या करता है, उसमें प्रॉफिट कैसे आता है? ज्यादा पैसा कैसे? कोई एग्जांपल दो मेरे को। तो कैसे होता है वो, यानी आप ये चीज, चौक अगर 10 रुपए का, एक चौक 1 रुपए का है, तो 1 रुपए ही होगा ना हर जगह, कि नहीं होगा? तो बेसिक जो ट्रेड जॉब होता है उसको बोलते हैं आर्बिट्राज, ठीक है, ट्रेड। आर्बिट्राज का मतलब यही है कि अगर कांकिया में चौक 1 रुपए का मिलता है, चौक 1 रुपए का मिलता है और बरमपुर में 5 रुपए का मिलता है, तो मैं क्या करेगा प्रॉफिट के लिए? कांग्या से खूब सारा चौक खरीद के बरमपुर ले जाएगा और बेचेगा। तो इसमें फिर से वो बात करता है कॉस्ट प्राइस वैल्यू, है ना। तो इसमें मेरा कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, कॉस्ट कितना आ गया? वन रुपी खरीद रहा है और प्राइस 5 रुपीस में बेच रहा है, वैल्यू तो आप बाद में बात करेगा। अब वैसे अगर आप चौक खुद बना रहा होगा, तो चौक अब आप बना रहे, खरीद नहीं रहे काम कैसे, अपना खुद बना रहा है, फिर क्या कॉस्ट हो सकता है, क्या क्या कॉस्ट आ सकता है? काम हो जाएगा, क्यों? खुद बना रहे आपका अपना ही, तो क्या क्या चाहिए होगा चौक बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए होगा? लेबर, वाटर, आइडिया और चूना, तो वही मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, टाइम, हाँ टाइम का भी वैल्यू हो रहा है, आइडिया, लेबर, लेबर और मशीनरी, और इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ये सब करने के लिए क्या चाहिए? ऐसा जिसको बोलते हैं कैपिटल। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए, है ना। जैसे अगर मैं टॉफी भी बेचना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए ना, समझ रहे? शीलू के दुकान से 100 टॉफी खरीद लिया, तो अगर मैं 100 खरीद रहा, तो वो शायद वो मेरे को सस्ता देगा, है ना। अगर 2 रुपए का टॉफी है, तो 1 रुपए में देगा। और तो बेसिक कैपिटल मेरा कितना हुआ उसमें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या कैपिटल हुआ मेरा? कैपिटल यानी जो पैसा से मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो अगर मैं
यहाँ से 100 रुपए का टॉफी ले रहा है तो क्या कैपिटल हुआ? 100 रुपए है ना। उसके बाद अब बरमपुर में बेचने वाला जो हुआ था उसमें और क्या कॉस्ट में क्या ऐड होगा? ट्रांसपोर्ट, बस से जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, ठीक। और पैसा कैसे कमा सकता है? ये तो बिजनेस कर रहा बाधा हुआ ना, और कैसे काम करके ठीक है सैलरी मिलता है उसमें क्या कर रहा है? बेसिकली काम क्या करता है? बेसिक सैलरी जो काम करता है वो क्या मतलब क्या है उस चीज का? आपको अगर जैसे कोई पैसा दे रहा है काम के लिए तो आप उनको क्या दे रहे हैं? काम, सर्विस, या फिर अपना टाइम, है ना, ठीक। और एक और क्या जो हम बात कल सरवानी बात करता, मनी लेंडिंग। मनी लेंडिंग क्या होता है? लोन। लोन से आप पैसा कैसे कमाते हैं? लोन से पैसा कैसे कमा सकते हैं? जैसे मैं भी लोन दे सकता ना, बैंक तो अलग है, आपस में भी लोन से ग्रो करता है ना, जैसे क्या व्यापारी ये सब मिडल मैन देता है लोन, हाँ, तो वो पैसा कैसे कमाता है? कोई चीज के देकर वो महीने में इतना बिल्कुल दे बोला तो फिर से वही इंटरेस्ट है ना। तो ये कुछ दो तीन जो मेन जो तरीका है ना, या तो बिजनेस हो गया या लेंडिंग हो गया, और क्या था? बिजनेस, लेंडिंग, वर्क, ठीक। अच्छा एक आप लोग के साथ एक जो कुछ कुछ ये जो हम मनी पावर का बात कर रहे हैं ना, कुछ स्टेटिस्टिक्स देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या? नंबर्स। अभी आपको ज्यादातर जो काम वाम कर रहा है, मैं अमीर लगता है आपको क्या? मैं अमीर आदमी हूँ क्या? नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, हम लोग जो इतना काम कर रहा है सब, है ना, जो आप आपका टीचर लोग सब काम कर रहा है, तो हम लोग रिच है क्या? अमीर लोग है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? काम तो इतना कर रहा है अपने के लिए, खर्च भी करता है। हाँ, अपने लिए खर्च करता है, ठीक। तो मेन वो हमने से पावर का वो दे दो ना, पावर का जो हम बात करते हैं ना, मनी इज पावर जो है, इसी का जो एक स्टैटिस्टिक है, अभी दुनिया में जितना भी पैसा है ना, वेल्थ है, वेल्थ क्या पैसा है ना, उसमें से जो दुनिया का 1% पॉपुलेशन है जो सबसे अमीर 1% पॉपुलेशन, दुनिया का पॉपुलेशन अराउंड 7 बिलियन लोग है, तो 7 बिलियन का जो टॉप 1% है वो दुनिया का 50% से ज्यादा पैसा उनके पास है, समझ रहे हैं? बाकी 99% के पास 50% है, और बस 1% के पास आधा दुनिया का पैसा है। कौन है ये लोग? पता नहीं, बैंकर्स और बड़ा बड़ा कंपनीज, अमेरिकन, यूरोपियन पॉलिटिशियंस। तो यही एक जो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी बात बोलते हैं इसको, कि इनइक्वालिटी, इक्वालिटी क्या होता है और इनइक्वालिटी क्या होता है? असमानता। तो असमानता पे बात करेंगे। वही आज दुनिया में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स बन रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, काम हो रहा है, उससे ज्यादातर फायदा 1% हो रहा है। हम लोग काम करता है, पैसा लेता है, खा लेता है उसका, ठीक है, उसी में ही चलते रहता है। लेकिन जो मेन जो 1% है उनको मेन प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे वो बैंक हो या बड़ा कंपनी हो, ठीक है, उसमें कुछ खराब नहीं है। अगर यानी हम 1% में होता तो हम भी वही कर रहा होता, लेकिन ये जो 99% के पास बाकी जो है ये प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हैं ना?
कि अगर दुनिया में 100 लोग होता और बस रुपीज नहीं कुछ वैल्यू का देखता है कि 100 किलो गोल्ड है बस दुनिया में इतना है, ठीक है, गोल्ड का वैल्यू, तो उसमें से एक आदमी के पास 50 kgs है और बाकी 99 के पास भी 50 kgs है, ठीक है, बेसिकली ये मतलब है इसी का। हाँ, और इसी का ही एक यू दुनिया में जो सबसे 8 जो अमीर लोग हैं बिलियनियर, हाँ, उनके पास उतना ही सेम, उनके पास इतना पैसा है 50% ही। 8 लोगों के पास दुनिया में जितना जो पैसा है उसका आधा पैसा है, ठीक है, ये सब इनइक्वालिटी जो हम बात कर रहे हैं। इंडिया में भी यही है कि इंडिया का जो टॉप 10% है या फिर 1% है उनका 58, इंडिया में जितना भी जो पैसा है 58% उसका बस 1% पॉपुलेशन के पास है, ठीक। और दूसरा साइड में इंडिया 5.8 मिलियन चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर समझते हैं ना, बचपन बच्चा लोग से जो काम कराता है ना फैक्ट्री में या फिर कुछ भी काम होटल में, हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखो अगर बाकी इनइक्वालिटी ठीक है वो अगर समाज में, लेकिन पावर्टी बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ जहाँ पे 1% लोगों के पास इतना पैसा है कर कि वो लोग समझ रहे आप इतना जो पैसा है, बाकी 5.8 मिलियन यानी कितना 5.8 इतना बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, काम कर रहा है, हाँ, वर्ल्ड में इंडिया में, वर्ल्ड में और भी बड़ा फिगर होगा बस इंडिया में। जैसे आप लोग टीवी वगैरह देखते हैं कई चीजें जो आजकल प्रोडक्ट्स है उन चीज का आप लोगों को जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन क्या है एड में बताते हैं आपको कि अगर ये वाला परफ्यूम नहीं डालेगा तो क्या है, हाँ, क्या, हाँ, लड़की नहीं देखेगा, है ना, या फिर क्या कि ये वाला हेयर जेल नहीं लगाएगा तो ये वाला पेन नहीं खरीदेगा तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, ये स्पेशल पेन है, हर चीज न्यू एंड इम्प्रूव्ड है ना, और हर चीज कुछ कुछ ऐड में डॉक्टर आ जाता है कोड डाल के बोलता है कि ये ही सबसे अच्छा चीज है आपको ये खरीदना है, पेस्ट हो सोप हो डिटर्जेंट हो, है ना, तो इस पे जैसे हम लोग पहले बात किया था एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का मेन काम क्या होता है, जिस चीज का शायद आपको जरूरत भी नहीं है वो आपको इंटरेस्ट जगा देगा, है ना, अच्छा अच्छा ऐड बना के। ज्यादातर क्या हो रहा है वही कि चीजें आप जो बना रहे हैं, कई चीजें जो बन रहा है उसका यानी एक तरह से हम लोग इंडिया दुनिया में इतना लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, लेकिन वहां से हम लोग ऐसा ऐसा चीजें बना रहे हैं कि डायमंड का जूता बना रहा है ना, डायमंड का जूता बना रहा है और लोग खरीद रहे हैं, यानी 10 करोड़ रुपए का जूता खरीद रहा है, वो डालेगा भी नहीं, वो बस रखेगा अपने पास, ये रियल प्रॉब्लम है ना। तो ये जो प्रोडक्शन भी हो रहा है, प्रोडक्शन यानी कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग बनाना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी जरूरत दरकार जो है ना जरूरत के हिसाब से नहीं हो रहा है, बस टू मेक मोर मनी, है ना, काम हो ना हो जरूरी नहीं है, मनी होना चाहिए, और मनी किसके पास आ रहा है, एक लोग का पास, हाँ, टॉप 1%, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप लोग काम कर रहे हो और आपको उसके बराबर पैसा मिल रहा है दैट इज ग्रेट, ऊपर चाहे हमेशा कुछ अमीर लोग रहेगा, प्रॉब्लम इनइक्वालिटी नहीं है इतना, प्रॉब्लम पावर्टी है, है ना, कि एक तरफ इतना गरीब लोग है हमारा देश में जो खा नहीं रहा है, बच्चा लोग स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन वहां से इतना इनइक्वालिटी है कि बस 1% के पास इतना वेल्थ है ना,
दीज आर प्रॉब्लम्स में हम लोग समझ रहे हैं, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना नोटबंदी, आप लोगों को ज्यादा इफेक्ट है क्योंकि अभी आप लोग बच्चे हैं, ज्यादा पैसा नहीं इस्तेमाल करता है, वो क्यों हुआ था, क्यों हुआ था वो, काहे की यूज़ पड़ता है, तो लोग नहीं, जो 2000 रुपीस का नोट ये सब बंद किया था ना, ब्लैक मनी वो पैसा जिसमें आप टैक्स नहीं देगा तो गवर्नमेंट से छुपा के कर रहा है, हो सकता है वो ऐसा कामों से आ रहा है जैसे कि ड्रग्स बेच के या फिर गन्स बेच के बॉम्ब बेच के या फिर बस चाहे सही से भी काम कर रहा है लेकिन आप उसमें टैक्स नहीं देना चाहता इसलिए उस पैसा को छुपा रहा है, वो ब्लैक मनी होता है, हाँ वो ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी में बाद में बात करें अगले चैप्टर अगला वो क्लास में। तो हाँ वो डिमोनेटाइजेशन फिर तभी बात करें, ठीक। लास्ट एक बात करना है इसमें कि फेसबुक, अभी आपको पता है ना फेसबुक व्हाट्सएप ये सब बहुत बड़ा कंपनीज है दुनिया का, भी आजकल टॉप कंपनीज चल रहा है ना, तो ये लोग अपना पैसा कैसे कमाता है, नेट पे करते हैं, नेट पे क्या करता है, नेट पे तो बहुत सारा वेबसाइट है ना, तो फेसबुक और व्हाट्सएप इतना पैसा कहाँ से कमा रहा है, तो उनसे वो कैसे पैसे कमा रहा है, फ्रेंडशिप तो दोनों कर रहा है, वो लोगों को कैसे पैसा मिल रहा है, हमारा सेम का बिल हमारा सेम का ऑनलाइन है, हम जो रिसर्च रिचार्ज करते हैं उसमें नेट का, नेट पे पता नहीं है, वो तो उससे तो रिलायंस कमाएगा ना, एयरटेल कमाएगा, वोडाफोन कमाएगा, फेसबुक कैसे कमाएगा, हाँ ठीक है उससे भी कमाता है, फेसबुक और रिलायंस पार्टनरशिप करता है उससे पैसा कमाता है, लेकिन मेन ये जो भी सर्विस है वो लोग पैसा कमाता है इंफॉर्मेशन से। अब जो हमारा जो टाइम आ गया है इंटरनेट एज में, इंफॉर्मेशन इक्वल्स पावर इक्वल्स मनी, इंफॉर्मेशन क्या होता है, जानकारी, तो फेसबुक में किसका जानकारी, क्या जानकारी, आप लोगों का जानकारी, फेसबुक उस चीज का पैसा बनाता है, आप लोग जो भी फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाता है फोटो डालता है उसमें लिख देता है कि मुझे ये अच्छा लगता है मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, वो सब क्या है, डेटा है एक तरह से, फेसबुक उस सब जानकारी को लेता है और सोचो किसी कंपनी को बेच देता है, उस कंपनी को पता है कि उड़ीसा में इतना लोग है जिनको नाइकी का जूता अच्छा लगता है या फिर उड़ीसा में इतना लोग है जो अभी नया फोन खरीदना चाहता है या फिर इतना लोग है जो ये करना चाहता है, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन पावर। और फेसबुक और व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक में अभी पूरे दुनिया में 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स है, समझ रहे, इतना 2 बिलियन कितना हुआ, 2 with 9 zeros, दुनिया में इतना लोग है जो रोज या फिर हम महीने में फेसबुक यूज करता है, व्हाट्सएप है 1.2 बिलियन, जैसे बिजनेस में भी आपको जानकारी चाहिए होता है ना, हम जैसे चौक बेचने का बात कर रहा था उसमें क्या जानकारी चाहिए आपको कि किधर कितना बेलो में, हाँ कि कांकिया में 1 रुपए का मिलता है, बरमपुर में 5 रुपीस का मिलता है और बरमपुर में कितना स्कूल्स है, कितना लोग चौक खरीदना चाहेगा, तो यही कॉन्सेप्ट है। फेसबुक में हर महीना 2 बिलियन लोगों का इंफॉर्मेशन जा रहा है, व्हाट्सएप में इतना लोगों का 1.2 बिलियन लोगों का इंफॉर्मेशन जा रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन फेसबुक के रिकॉर्ड में है, व्हाट्सएप के रिकॉर्ड में, और वो दूसरा कंपनी जैसे रिलायंस या कोई भी कंपनी, हाँ फेसबुक को वही मैं बोल रहा है ना, जैसे कंपनी होगा रिलायंस या कोई भी बड़ा कंपनी SR, अगर मान लो मैं शूज बनाता है, ठीक है एडिडास मेरा कंपनी है, शूज बनाता है और बेचता है, तो फेसबुक में इतना जो लोग है उसमें से मैं फेसबुक को बोलेगा कि मुझे 20 years से लेकर 40 years के लोगों का डेटा चाहिए जो स्पोर्ट्स में एक्टिव है,
तो फेसबुक वो सब जानकारी अपने रिकॉर्ड से निकाल सकता है कि जिसका भी एज 20 to 40 है, जो इंडिया में रहता है और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। ठीक, अब वो जो इतना बड़ा जो लिस्ट होगा रिकॉर्ड का, वो फेसबुक मुझे दे देगा एडिडास में। अब मैं बैठ के वो लिस्ट देखेगा, अब मुझे सब पता है कि क्या शीलू को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, उसका नाम हटा दिया। कोई और लोग हैं, जैसे क्या है ये संतोष, वो उसको क्रिकेट अच्छा लगता है, तो हो सकता है अब मैं उसका फोन पे या फिर उसका ईमेल पे मैसेज भेजेगा कि आजकल हमारा क्रिकेट शूज पे डिस्काउंट चल रहा है ना। ये होता है, अभी धीरे धीरे जब आप लोग ज्यादा इंटरनेट यूज करेगा, आप देखेगा कि एड्स आने लग जाता है जिस चीज का। जैसे मैं बुक्स काफी पढ़ता है, तो मेरे जब भी मैं ईमेल पर खोलता है तो बुक्स का ऐड आ जाता है। उनको कैसे पता कि मैं बुक्स पढ़ रहा है? यही सबसे गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप के द्वारा उनको पता लग रहा है धीरे धीरे कि आप क्या चाहता है। तो इसीलिए ये है इन्फॉर्मेशन पावर इक्वल्स मनी। और इन्फॉर्मेशन किसका इन्फॉर्मेशन? हम लोगों का, है ना। वही ना, जैसे ईमेल पे अगर मैं बात करता है, फेसबुक पे किसी को मैंने बोला कि फेसबुक जैसे अब एक साल से देख रहा है, मैं बुक्स का काफी बात करता है, मैं बोलता है कि ये वाला बुक बहुत अच्छा है ये पढ़ो, या फिर ये वाला बुक अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे फेसबुक को पता लग गया कि ये बुक्स बहुत पढ़ता है, तो वो मेरे को ऐड भेजेगा, है ना। तो बात फिर से वही आ गया, इन्फॉर्मेशन किसका है? हम लोगों का, 2 मिलियन लोगों का। लेकिन इससे हमारे जीवन का इन्फॉर्मेशन, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, आप जीवन में किससे बात करते हैं, ये सब आपका बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उसको भेजा जा रहा है। और इन्फॉर्मेशन किससे पैसा कौन कमा रहा है? कंपनीज, अगेन 1% जो हम बात कर रहा था, है ना, 99% का यूज हो रहा है हम लोगों का। जैसे आधार का बात करता है, आधार, आप आधार कार्ड है क्या यहाँ पे सबका? ठीक है, वो सब हुआ था ना, फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, कहाँ पे बनाया था आधार कार्ड आपको? कहाँ पे था? गांव में आया था, है ना। मेरा भी घर पे आया था लोग आधार कार्ड बनाने के लिए। हाँ, सरकार राशन देने के लिए या फिर कुछ और स्कीम देने के लिए घर पर आती है क्या? गाँव में आती है? आया कभी? आधार कार्ड के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है गाँव में? बाकी स्कीम से आपको फायदा होता है ना, कि पैसा मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है या टैक्स में वो हो रहा है, तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। आधार का मेन बेनिफिट किसको मिलेगा? और फिर से वो ही, क्यों? अगर आपका आधार नंबर, जो आधार नंबर क्या एक नंबर देता है ना, जिसमें आपका सब फिंगरप्रिंट, आई स्कैन, सब कुछ उस नंबर से जुड़ा है। अब वो नंबर आप अगर अपना फोन नंबर, आप वो आजकल बार बार बोलते हैं कि एयरटेल वाला मैसेज दे रहा है, रिलायंस मैसेज भेज रहा है कि नंबर से आप अपना आधार कार्ड जोड़ दो। अब अगर आपका आधार कार्ड फोन नंबर से जुड़ा है तो क्या होगा? हाँ, गवर्नमेंट को हमेशा पता है कि आप किससे बात कर रहा है और कहाँ पर है। वैसे ही अगर आप आपका आधार कार्ड आप बोल रहे बैंक से जोड़ो, बैंक से जोड़ेगा तो क्या होगा? हमेशा पता है कि क्या खरीद रहा है, कहाँ पे पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये सही भी एक तरह से कि जैसे टेररिज्म वगैरह होगा, लोग कुछ जो क्रिमिनल्स है वो पकड़ा जा सकता है, लेकिन दूसरे साइड पे प्रॉब्लम भी है, क्योंकि क्या गवर्नमेंट ये इन्फॉर्मेशन बस अपने पास नहीं रख रही है, वो इन्फॉर्मेशन वो भी फेसबुक की तरह प्राइवेट कंपनीज को बेच रहा है, जो कि प्रॉब्लम है। समझ रहा है? असल में जो आपका लाइफ है ना, ये जो सब जानकारी आपके बारे में, तो फेसबुक को आपको सैलरी देना चाहिए एक तरह से, समझ रहे हैं? लेकिन उल्टा हो रहा है कि गवर्नमेंट उनको फ्री में इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर उनसे पैसा ले, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, हालांकि आपका लाइफ है, हम लोग का यूज हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो वही बात आ जाता है जैसे बार बार कि जब हम लोग सब इस चीज को, फेसबुक का भी वैल्यू क्यों है, फेसबुक का वैल्यू क्यों है इतना? इस नंबर की वजह से, क्योंकि दुनिया में 2 बिलियन लोग, यानी कि 2 बिलियन यानी 7 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 2 बिलियन कितना हुआ? 5 बिलियन लाख है। हाँ, नहीं नहीं, परसेंटेज क्या होगा? हाँ ठीक है, अराउंड 30% कुछ होगा ना। हाँ, 33-40% जो है,
तो अराउंड 33% दुनिया में का लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, इसलिए फेसबुक का वैल्यू है। अगर फेसबुक बस 100 लोग यूज कर रहा होता तो कुछ वैल्यू नहीं, कोई पैसा नहीं देगा फेसबुक को। फेसबुक भी बस इसीलिए चलता है क्योंकि क्योंकि हम सब उसको वैल्यू दे रहा है, यूज कर रहा है। जैसे हमने बात किया था ना, पैसा का वैल्यू क्यों है, क्योंकि हम सब उसको वैल्यू दे रहे हैं। गवर्नमेंट का वैल्यू क्यों है, हम सब उसको मान के वैल्यू दे रहे हैं। वैसे ही फेसबुक ये सबका है, क्योंकि 2 बिलियन लोग यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक कंपनी को बोल सकता है कि मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है जिससे आपका बिजनेस में हेल्प होगा, मुझे पैसा दो। और बहुत बड़ा पैसा बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लाख ये सब करोड़ का नहीं बात कर रहे हैं, डॉलर्स में, ठीक है, 9, 10, 0, 15 उस तरह का पैसा का हम बात कर रहे हैं, बिलियंस में। ठीक है, फिर अभी खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास। अरे एक लास्ट बात करते हैं, ठीक, ये इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है? ठीक है, वो डेफिनेट होता क्या है? पैसा कमाने के लिए बोलते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको कंज्यूम करते हैं, कैसे उसका परचेज होता है, कैसे फैलता है, किन कारणों से होता है। ठीक है, इस पे हम आगे अगले क्लास में बात करेगा। एक लास्ट एक चीज आपको छोड़ देता है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, बट नहीं क्वेश्चन ही बस एक थॉट, बट रिसोर्सेज आर नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर नॉट। सिंपल शब्द में मतलब क्या हो कि हमको बहुत सारा चीजें चाहिए लेकिन उतना उतना पैसा नहीं है या जो भी नहीं है ना। जैसे नेचर जैसे wants है, अगर आपको क्या है तो ये basically economics का basic rule यही है। हर चीज का life में भी ये है ना कि आपको क्या, मुझे चाहिए बहुत कुछ, क्या चाहिए, जैसे मुझे फरारी कार चाहिए है ना, लेकिन resources are limited, पैसा नहीं है, पैसा बस मेरे पास 5000 रुपीस है, उसमें तो नहीं मिलेगा ना। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली वही है कि जितना आपके पास पैसा है, इनकम है, उसका बेस्ट यूज कैसे करेगा, क्योंकि पैसा लिमिटेड है ना, लेकिन आज चीजें बहुत कुछ है जो चाहिए हमको, तो अपना लिमिटेड पैसा में क्या क्या कर सकता है ना। जैसे आप अगर 10 रुपए इनकम है तो 100 रुपए का चीज नहीं खरीद सकता ना, तो 10 रुपए में अगर दिन में कमा रहे तो इकोनॉमिक्स बताएगा कि 2 रुपए का ये करो, 3 रुपए का ये करो, 5 रुपए का खाना खाओ। इस पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, बजट ये सब क्या होता है। ठीक, कोई क्वेश्चन है आज जो जिसपे बात किया? हाँ नहीं है तो ठीक है। ईमेल नेट क्यों यूज करता है? ईमेल क्यों यूज करता है? संदेश भेजने के लिए एक दूसरे को, जैसे मैसेज करता है ना, ईमेल एड्रेस से आप, ये सब अभी नहीं हुआ क्या? ठीक है, कंप्यूटर क्लास में शर्मानी से बात करेगा। ईमेल बेसिकली, मैं अगर यहाँ पे बैठा है, मैं क्या है हिमाचल में बैठा है, मैं आपको एक पत्र लिख सकता है। पहले लेटर कैसे लिखता था? कभी लेटर लिखा है, मेल किया है? हाँ पहले पे नहीं किया ना, तुम लोगों का टाइम अलग आ गया। हम लोगों का टाइम में लेटर लिखा था, लेटर कागज पे लिखा, उसके बाद स्टैंप लगाया और लेटर बॉक्स में डाला, तो वहां से फिर आपके पास आएगा। अब ईमेल में क्या है, इंटरनेट में जाके लेटर टाइप कर दिया, इंस्टेंटली 1 सेकंड में आपके पास पहुंच जाएगा यहाँ। तो ईमेल बेसिकली बात करने के लिए, और चीजें भी भेज सकता है, जैसे फोटो भेज सकता है,
म्यूजिक फाइल भेज सकता है, बहुत कुछ कर सकता है।